हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सभी बच्चों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक आईएएस और एलएम विश्लेषण। आईएएस और एलएम विश्लेषण पर मैं ऑलरेडी आपके लिए दो वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जो है वो वीडियो देख सकते हैं गाइस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको बिल्कुल भी आज इस वीडियो के अंदर समझ में नहीं आने वाला है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो आपके लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्रीवियस दो वीडियो आपने अच्छे से देख रखी है, तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आने वाला है। और आज का टॉपिक है कि आईएएस कर्व में खिसकाव जो है वो कैसे होता है। आईएएस कर्व का हम डेरिवेशन सीख चुके हैं कि कैसे वो बनेगा, अब इसमें हम खिसकाव की बात करने वाले हैं। तो खिसकाव की बात करने के लिए सबसे पहले तो आईएएस कर्व आपको बनाना आना चाहिए, तभी तो हम भाई खिसकाव करेंगे। तो बनाने के लिए बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो बताया था, मैं जल्दी से बना लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो खिसकाव जो है बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। जल्दी से एक्स वाई यहाँ पर आप लिख लीजिए जी, कुल व यहाँ पर आप लिख सकते हैं जीडीपी, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे एक और ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए यहाँ, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, एक्स वाई और यहाँ पर आप लिखो ब्याज की दर, यहाँ पे लिख लीजिए जीडीपी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था जी, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 45 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री का, ठीक है। फिर कुल व्यय AE को ड्रॉ कर लीजिए, ये आ गया आपका AE, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको E मान लीजिए, ठीक है। और इसको क्या कर लीजिए, इसको लेकर आ जाइए जी नीचे यहाँ, अब देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये मान लो भाई इस पॉइंट पर आपकी इतनी है जीडीपी, ठीक है। और यहाँ से आपको मान लो आपकी जो ब्याज की जो दर है वो है आपकी मान लो आर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जी खिसकाव कब होगा, खिसकाव तब होता है जब ब्याज की दर को छोड़कर, अगर ब्याज की दर को छोड़कर अदर किसी फैक्टर में चेंज आता है, लाइक डेल्टा सी, डेल्टा आई, डेल्टा जी, डेल्टा एन एक्स या सरकारी कर कह सकते हो, किसी में भी चेंज आता है तो उससे खिसकाव होता है। ब्याज की दर में कोई चेंज नहीं आएगा तो मुझे यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करना है। अदर किसी फैक्टर में चेंज आने के कारण अगर कुल व्यय बढ़ जाता है, तो अगर अदर किसी फैक्टर में चेंज आ गया, मान लो सी आई जी किसी में भी चेंज आ गया और उससे क्या हुआ, कुल व्यय बढ़ गया, तो अगर कुल व्यय बढ़ गया तो कुल व्यय में क्या होगा, समांतर खिसकाव आ जाएगा सेम एज इट इज़, जैसे मैंने प्रीवियस उसमें बताया था। लेकिन अब की बार जो इसका रीज़न है ना, ये अब की बार इसका ब्याज की दर नहीं है, अब की बार इसका रीज़न है ब्याज की दर को छोड़कर, ब्याज की दर को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर हैं अगर उनमें से किसी में भी चेंज आया और उसमें चेंज होने से अगर AE आपका कुल व्यय अगर जो बढ़ गया तो अब क्या होगा। अब देखो इसको भी सेम नीचे लेकर आ जाइए, अब मान लो इस पॉइंट पर, यहाँ देखिए मान लो इस पॉइंट पर आपका इतनी थी आपका मान लो, और इस पॉइंट पर आपका जो IS कर्व था मान लो वो था कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका IS कर्व था फर्स्ट, बट जब ब्याज की दर को छोड़कर किसी भी अदर फैक्टर में चेंज आया तो उससे क्या हुआ, अब देखो अब ये कहाँ पर आ रहा है जी, अब ये आ गया आपका यहाँ पे Y1। अब आपको क्या ध्यान देना है, ब्याज की दर देखो उतनी है, ठीक है, जितनी पहले थी, बट उसी ब्याज की दर पर IS कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया इस तरफ राइट पर, ठीक है, क्योंकि कुल वह क्या हो रहा था आपका IS1 लिख दो उसको, और इसको यहाँ पर ये हो गया जी आपका राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। क्यों हुआ ये राइट वर्ड शिफ्ट, क्योंकि
ब्याज की दर को छोड़कर अदर किसी फैक्टर में चेंज आया जिस वजह से कुल व्यय बढ़ गया, और कुल व्यय बढ़ने से ये क्या हो गया, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर मान लो कुल व्यय घट जाए तो कुल व्यय घटने से क्या होगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मान लो घटा घटा के वाला भी दिखा देता हूँ, चलो मैं, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मान लो इधर मान लो ये हो गया आपका ए ई, उसको वन ले लीजिए, इसको टू नाम ले लीजिए, ठीक है। मान लो ये घट गया, ठीक है, और अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को लेकर आ जाइए नीचे। तो देखो ब्याज की दर उतनी है, बट उसी पॉइंट पर आईएस कर्व क्या हो गया, ये आ गया, तो इसको ये आ गया इधर, तो ये हो गया आपका आईएस टू। तो बढ़ने से, कुल व्यय बढ़ने से क्या हो रहा है, कुल व्यय बढ़ने से आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और कुल व्यय घटने से आईएस कर्व क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। कुल व्यय बढ़ने से दाईं तरफ, कुल व्यय घटने से बाईं तरफ, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अब ये जो इसका बढ़ने का रीज़न है, ब्याज की दर नहीं है, अगर ब्याज की दर होती तो ये शिफ्ट नहीं होता, तो फिर ये क्या होगा, तो ये फ्लैटर और स्टीपर होता है, ठीक है, ज़्यादा ढालू और कम ढालू, वो हम इस वीडियो में नहीं सीखने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। मे भी पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इसमें खिसकाव कम होता है, खिसकाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसमें आपको कुछ भी समझना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है, जहाँ पर आप पूछना चाहो वहाँ पर आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं। गाइस अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है जब ब्याज की दर में चेंज आएगा तो उससे आईएस कर्व कैसे फ्लैटर और स्टीपर होगा, ज़्यादा ढालू और कम ढालू, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। Have a good day. Bye-bye. Take care.